तो मैं ना इस चीज़ को सुन सुन के, पूछ पूछ के, देख देख के कहीं ना कहीं अब उपसा गया हूँ। इस टॉपिक को ख़त्म कर देना चाहिए। किसी भी इंसान को जिसको अपने काम से प्यार ना हो, उसे पब्लिसिटी देने का कोई मतलब ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और अपने मज़हब को, अपने धर्म को बीच में लाना, मुझे नहीं लगता ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ये एक है चल रहा है जो मार्केट में कुछ टाइम जो पिछड़े हुए हैं या जो जो पब्लिसिटी की जिनको ज़रूरत है वो लोग करते रहते हैं। ऐसा इंडस्ट्री में इतने नामचीन लोग हैं जो मोमेडियन हैं, क्या वो लोग काम नहीं कर रहे हैं? पूरी दुनिया काम कर रही है, ऐसा नहीं है। मज़हब को बीच में किसी को भी नहीं लाना चाहिए, पर ठीक है, सबका अपना ओपिनियन है, सबको अपना अपने राइट्स हैं कि वो क्या करना चाहते हैं लाइफ में, क्या नहीं करना चाहते, उनको जैसा लगा उन्हें ठीक किया। ऐसा है जो आज ज़ायरा वसीम को नहीं जानते थे वो भी जानते हैं। चीज़ें तो ये होती, पहले थिएटर तक जो लोग जानते थे वो फैंस थे, लेकिन जो अब लोग नहीं जानते वो भी जान रहे हैं। सिंपल सी बात है, अगर ये पब्लिसिटी स्टंट है तो बहुत ख़राब चीज़ है। अगर हमने सोच समझ के ये चीज़ें की हैं तो ठीक है, उनका अपना समझदारी है, उनको जैसे करना है। हर किसी को लाइफ जीने वाली बात है। फिर वही चीज़ बोल रहा हूँ, अगर कल मेरे को ये अगर बाइट नहीं देनी तो नहीं दूंगा मैं। मेरा अपना ओपिनियन है, मेरे को क्या करना है, ये मेरे राइट्स अपने ऊपर। तो उनने जैसा भी किया वो ठीक है, मुझे किससे कोई दिक्कत नहीं। बट मैं ये चाहता हूँ किसी को भी मज़हब बीच में नहीं लाना चाहिए था। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हर इंसान को हक है अपनी बात कहने का। लेकिन जब आप एक पॉपुलर पर्सनैलिटी हो, आप कोई बात अगर कह रहे हो उसमें फ़र्क है, और आप किसी बात को स्टैब्लिश कर रहे हो कि मैंने अपने धर्म की वजह से कुरान में ऐसा लिखा है। बीइंग एन इंडियन, हम सब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हर रिलीजन की, लेकिन कुरान को बेस बनाकर कि मेरे धर्म में ऐसा लिखा है कि ये चीज़ करना गलत है, वो चीज़ करना गलत है, मेरे नज़रिए से ये गलत है। अगर आप बॉलीवुड क्विट करना चाहते हैं, ये टोटली आपका डिसीजन है। जब आपकी फिल्म सुपर हिट हुई थी, 300 करोड़ 400 करोड़ जब फिल्म ने कमाए थे, तब आपने ये नहीं कहा कि मेरे कुरान में ऐसा नहीं लिखा है कि यू नो कि मैं एक्टिंग करूं और ये करूं। अब जब आपकी दोनों ही फिल्में सुपरहिट हो चुकी हैं, दोनों ही फिल्में अच्छी चली गई हैं, अब अचानक से ऑल ऑफ अ सडन ये चीज़, आप किसी चीज़ से डील कर रहे हैं, उसको कहने का एक अलग तरीका होता है। आप ये कह सकती थी कि मैं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, या आई एम नॉट हैप्पी विद माई प्रोफेशन और द वर्क दैट आई एम डूइंग, और आई एम नॉट हैप्पी इन मुंबई, तो बात अलग है कि आप क्विट करना चाहती हैं, आप एक अलग लाइफ जीना चाहती हैं, दैट इज़ टोटली योर कॉल, हर इंसान की चॉइस है। लेकिन ये कहना कि मेरे कुरान में ऐसा लिखा है और मेरे रिलीजन में ऐसा लिखा है, वो कहना सरासर गलत है मेरे हिसाब से। ये मेरा ओपिनियन है, किसी का कुछ भी हो सकता है, बट मेरे नज़रिए से ये सरासर गलत चीज़ है। और इंडस्ट्री में हर इंसान आता है अपना नाम कमाने के लिए आता है, लेकिन इतना बड़ा एक ये स्टेटमेंट दे देना इज़ टोटली पैथेटिक। ज़ायरा वसीम के पास आमिर खान थे, अगर हम बात करें बैकड्रॉप की बात करें तो कुछ एक्टर्स के पीछे, अगर आप कह लो सलमान खान है, कुछ एक्टर्स के पीछे शाहरुख खान है, कुछ एक्टर्स के पीछे आमिर खान है, कुछ एक्टर्स अपने दम पे हैं। आप किसी के दम पे लॉन्च हो सकते हो, आप किसी के दम पे फिल्म हासिल कर सकते हो, लेकिन आप किसी के दम पे बॉलीवुड में टिक नहीं सकते, क्योंकि बॉलीवुड खुद भी नहीं टिक सकता अगर टैलेंट नहीं है तो। दैट इज़ द फोमोस्ट थिंग। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, जिस तरीके से ज़ायरा वसीम ने कहा, दोनों पिक्चरें उनके आमिर खान के साथ थी, उससे ज़्यादा और क्या चाहिए? और ये बिल्कुल ही बेसलेस बात है, क्योंकि चाहे अजय देवगन हो, चाहे खान, रोल नहीं करते हैं बॉलीवुड, लेकिन एक उन्होंने वो मुकाम हासिल किया है अपना, वैसा ही देवगन, अजय देवगन का भी मुकाम है, और वैसा ही अक्षय कुमार का भी मुकाम है, वैसा ही अगर हम कार्तिक आर्यन की बात करें, तमाम एक्टर्स का वैसा ही है। इट डिपेंड्स कि आप इंडस्ट्री से क्या ले रहे हो, और आप ऑडियंस को क्या दे रहे हो, और आप इंडस्ट्री को क्या दे रहे हो बदले में। मीडिया का प्रोफेशन, लोग ऐसे बोलते हैं, चाहे मीडिया हो गया या इंडस्ट्री हो गई, लोग बहुत बदनाम करते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट ट्रू। चॉइस इज़ योर्स, आपको स्ट्रगल करके आगे बढ़ना है या फिर आपको ब्लेम करके क्विट करना है, चॉइस इज़ योर्स, बट वो हर इंसान का इंडिविजुअल डिसीजन है। बट जिस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया इस चीज़ को, इट्स रियली वेरी डिसहार्टनिंग। देखिए, ये उसका अपना डिसीजन है, और उसको इतना पब्लिसाइज करने की ज़रूरत नहीं थी, छोड़ना था तो छोड़ सकती थी। फिल्म इंडस्ट्री कोई ऐसा नहीं है कि कोई ज़बरदस्ती किसी को पकड़ कर लाता है। ये इस अगर आप इस इंडस्ट्री में आए तो इस इंडस्ट्री की कदर भी करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा नहीं है कि फिल्म इंडस्ट्री में आने में सारी वर्जनाएँ टूट जाती हैं, सब कुछ हो जाता है। ये भी एक हमारे ही देश का, हमारी ही संस्कृति का, हमारे ही मनोरंजन का, एंटरटेनमेंट का पार्ट है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इसमें अपनी मर्जी अलग होती है, उसको धर्म से जोड़कर ज़बरदस्ती किसी यंगस्टर को कोई फिल्मों में काम करना पाप नहीं है। हाँ, आपने अगर गलत रास्ता चुना है, कुछ आपके साथ गलत हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी इंडस्ट्री को हम ख़राब मान लें। मज़हब की बात नहीं है, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि मज़हब औरतों के बहुत खिलाफ रहता है। जो पुरुष है उसको आज भी बहुत अधिकार है। जैसे हमारे संसद में अभी तक जो आधी आबादी, या जो कहना चाहिए औरतें जो हैं, उनको आगे नहीं आने दिया गया है। राजनीति भी ऐसी ही, जब मैं
पॉलिटिकल जर्नलिज्म कर रही थी तब मैंने ये देखा था कि पॉलिटिकल जर्नलिज्म में औरतें बहुत कम आती हैं क्योंकि ये उनकी जगह नहीं मानी गई। इसी तरह इस टैबू को हमें तोड़ना चाहिए। और ज़ायरा वसीम हमारे देश की एक नौजवान पीढ़ी को प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने एक फिल्म भी की है, मुझे ऐसा नहीं लगता है उनके उनका तो कोई बैड ऐसा एक्सपीरियंस है नहीं, तो उनको ये उनकी अपनी मर्जी है, उनका अपना डिसीजन है, बालिग हैं तो वो अपने हिसाब से सोचें। और मुझे नहीं लगता है, मुझे ये भी लगता है कि उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि जब उन्होंने दो फिल्में कर ली तब उनको नहीं लगा और अब अचानक से लगने लगा, तो ये भी एक बहुत दुखद पहलू है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उनको छोड़ना चाहिए।